राय जी लालू के लाल तेज प्रताप कह रहे हैं कि राम जी नहीं जाएंगे 22 को अयोध्या, वो हमारे सपने में आए थे। अच्छा, तो बड़ा बढ़िया सपना देखते हैं। तो उनको ये पता नहीं है, सपना में उनको कृष्ण भगवान नजर तो आ जाते हैं, वो कृष्ण लीला करते हैं, भगवान राम नजर नहीं आते हैं। आपके बगल में भगवान राम है, कहाँ है? आपका पूरा परिवार जाकर के पूजा करता है, कभी थावे में, कभी हरिहर नाथ जी के मंदिर में, कभी वहाँ आपको जाकर के उसमें कर्नाटका में दर्शन करते हैं, छठ का पूजा करते हैं। और उनके उनके लड़के को सूचना मिल गई है, टेलीफोन आया था क्या उनके पास? कोई टेलीफोन है जो भगवान ने इनको कह दिया कि तुम सूचना दे दो कि हम नहीं आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं और बड़े ठाट से आ रहे हैं और अयोध्या में विराजमान होंगे, और ये तमाशा वो भी कहीं ना कहीं से जरूर देखेंगे। क्या 2024 का जो चुनाव है इसको लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि इसीलिए जल्दी जल्दी में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि राम जी को हाईजेक कर लिया बीजेपी वालों ने। भाई राम जी को हमने कहा हाईजेक किया है, हमने तो सबको आमंत्रित किया है, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बल पर काम करते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे रामलला के दर्शन के लिए कोई भी आए आकर के दर्शन करें, सभी लोग आमंत्रित हैं, इसलिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि रामलला आ रहे हैं। रामलला आ रहे हैं तो आप खुशी का ही नहीं मना रहे हैं। मेरा एक सवाल है, विरोधियों के द्वारा लगातार पीएम को गाली दिया गया, विरोध किया गया, धीरे धीरे श्री राम का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये लोग भारत का विरोध करते नजर आ रहे हैं, ये लोग, ये कोई इनका विरोध श्री राम के प्रति नहीं है। और एक बात जान लीजिए, सनातन धर्म में राम के प्रति जो विद्रोह की भावना रखेगा या विरोध की भावना रखेगा, निश्चित तौर पर वो कहीं भविष्य में उसके लिए फलदायी नहीं होगा, उसको इसका कष्ट भोगना होगा। और हम यदि राम को ले आने में कहीं ना कहीं सहायक हो रहे हैं, हम अगुवा बन रहे हैं, तो हम यह विश्वास करते हैं कि देश की जनता निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में, चाहे हम देखिए चुनाव के चलते नहीं, क्योंकि भगवान राम को प्रतिष्ठापित करना है, 500 वर्षों से वहां पर वो एक इसमें झुग्गी झोपड़ी टेंट में रह रहे थे, तो उनको प्रतिष्ठापित करना हमारा कर्तव्य था। और देश भर के लोगों में यह आज मंगलमय वातावरण बना हुआ है कि हम लोगों ने भगवान राम को उचित जगह पर जाकर के प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया और उनको प्रतिष्ठापित किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं, उनका कहना है कि पीएम मोदी को मणिपुर आना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, आज तो खैर हम लोग इस विषय पर हैं, लेकिन राहुल गांधी जी से जरा पूछ लीजिए कि उनके साथ जितने लोग हैं उसमें उनका कोई सामंजस्य बैठ रहा है क्या? तो जब आपस में उनका कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, कोई यूपी में सीट के लिए लड़ रहा है, कोई दिल्ली में लड़ रहा है, कोई बंगाल में लड़ रहा है, आपस में ये लड़ रहे हैं तो ये जोड़ेंगे क्या? ये तो टूट रहे हैं, ये टूटते ही जाएंगे, कभी इनमें एकता नहीं होगी, कभी इनमें कोई सामंजस्य नहीं होगा। और इसके चलते नहीं, उनमें सामंजस्य हो चाहे नहीं हो, हमने जो कर्तव्य किया है देश में 8-9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में, उसका प्रतिफल जनता हमको देगी। है सबरी का जूठा बैर आप खाए थे, किसी धोबीन के कहने पर आप अपनी पत्नी को निकाले थे, केवट का पैर धोकर के आपने प्रणाम किया था? नहीं, हमने किया, हमारे राम ने किया, और हमारे राम ने एक समरस समाज की स्थापना का प्रयास किया और उसको करके दिखाया, आदर्श है। इसलिए इस तरह की बातें जो करते हैं ना, जब ऊपर जाएंगे तो सवाल होगा तो जवाब देंगे, ये लोग मिलेगा जवाब इन लोगों को वहीं पर। कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, बिल्कुल, विधायक की तरफ से क्या तैयारियां हैं, किस तरह से? खूब जम के तैयारी है, तैयारी इतनी है कि जिसके जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 2000 लोगों का जुलूस जुड़ा गांव से निकलेगा, वो धमार होते हुए, खजुरिया होते हुए, भेड़िया होते हुए, और आकर के प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने का काम करेगा भागरसना विद्यालय में। पूरे देश में राममय माहौल अभी बना हुआ है, ऐसे में आरा में भी कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो सभी कार्यक्रमों में भूमिका रहेगी? देखिए, जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो रामलला जी की प्रतिष्ठा में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के नाते हमारी उपस्थिति सब जगह होनी चाहिए, लेकिन एक आदमी सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता है। और मेरी जिम्मेवारी सर्वप्रथम बड़हरा क्षेत्र के लिए बनती है
तो वहां से जो लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जूड़ा गांव से, इसलिए मैं जूड़ा गांव से ही निकलूंगा। और मेरी शुभकामना है, रमना मैदान में हमने भी कई जगह अपने पोस्टर्स वगैरह लगवा दिए हैं, शुभकामनाएं हमने दी हैं, और मैं अपनी शुभकामना देता हूं कि यह बढ़िया से संपन्न हो, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में ही रहूंगा। काफी लंबे अरसे के संघर्ष के बाद प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो सीधी बात है कि हमारी पार्टी ही शुरू से संघर्ष करती रही। आजादी के पहले से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं संघ या अन्य संगठन इसके लिए प्रयास करते रहे, लेकिन यह प्रयास परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो सका। सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया और हम लोग उसमें लगे हुए थे, तो आज सर्वाधिक प्रसन्नता और आनंद का अनुभव प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता कर रहा है, देश के प्रत्येक व्यक्ति कर रहे हैं। क्योंकि 500 वर्ष पहले जिस बाबरी ने हमारे रामचंद्र जी को वहां से हटा करके बाबरी मस्जिद बना दिया था, आज हमारे सरकार के प्रयास से आज अयोध्या नगरी पुनः उसी रूप में प्रतिष्ठापित हो रही है जिस रूप में वह भगवान राम के समय में थी। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि सर्वाधिक प्रसन्नता और सर्वाधिक खुशी हम लोगों को, भाजपा के लोगों को हो रही है। अयोध्या में कई दिग्गज 22 को आ रहे हैं, तो क्या 22 के बाद आप भी जाएंगे? जरूर जाएंगे। 22 को हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम लोगों का आमंत्रण नहीं दिया गया है, और कुछ खास लोगों को ही उसमें आमंत्रित किया गया है, और वह इसलिए किया गया है कि यदि ज्यादा वहां लोगों को आमंत्रित किया जाता है या लोगों को ऐसे आने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता तो शायद अयोध्या में खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलता। इसलिए ये आयोजन जो हो रहा है 22 तारीख को, उसके बाद हमारी पार्टी का भी निर्देश है और हम लोग सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जा करके रामलला का दर्शन करेंगे। अबराम के नाम पर वो भी, अरे भैया एक बात जान लो, ये जितने विरोध कर रहे हैं ना, आप जरा छिप करके देखोगे कल सुबह में ये सारे के सारे बैठ करके राम की पूजा करेंगे, राम का गीत गाएंगे, इनकी पत्नियां गाएंगे, इनके बच्चे गाएंगे, ये गाएंगे। ये खाली लोगों को दिखाने के लिए कि हम कोई ऐसी राजनीति हम करते हैं कहीं ना कहीं से कुछ फायदा लेने के लिए, ये अपना उस लिए बोल रहे हैं, लेकिन सबके घर में राम की पूजा होती है, सबके घर में सीता की पूजा होती है, सबके घर में शंकर भगवान की पूजा होती है, इसे कैसे इनकार करेंगे? जी,